और वहीं किसानों को प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कहीं घटना बाद सुरक्षा को और भी पुख्ता कर दिया गया है। हम आपको यहां 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सिंधु बॉर्डर की है, दूसरी तस्वीर शंभू बॉर्डर की है, तीसरी तस्वीर टिकरी बॉर्डर और चौथी तस्वीर झज्जर की है, जहां सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और पांचवी तस्वीर की हम बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर से है, जहां इस प्रदर्शन के कारण जो है जाम लगा हुआ है। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों से, अलग अलग बॉर्डर से, जिनमें कि सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शंभू बॉर्डर और झज्जर के पास से दिखा रहे हैं, जहाँ देख सकते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर जो है जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं इस दौरान जो है पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। अभी जैसे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे हर प्रकार से शांति व्यवस्था बनी हुई है और ट्रैफिक जो है उसके लिए रूट डाइवर्जन किया हुआ है। बाकी यहाँ से आप देख रहे हैं आवागमन जो पैदल के और उनके लिए है वो फ्री है, सभी आजाद। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के दिल्ली के तमाम बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं। दिल्ली के तमाम इलाकों में जो बॉर्डर पर हैं, सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में मैं इस वक्त पहुंचा हुआ हूं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर। टिकरी बॉर्डर की अगर तस्वीर दिखाऊं तो तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से टिकरी बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं, जिसमें CRPF और RAF की जो टुकड़ियां हैं वो शामिल हैं। अलग अलग फोर्स को अलग अलग तरीके से यहाँ पर तैनात किया गया है। और अगर मैं बात करूँ बॉर्डर की, तो बॉर्डर की पूरी तरीके से किलाबंदी कर दी गई है। और बॉर्डर आप देख सकते हैं, तस्वीर में दिखा जाऊँ किस तरीके से यहाँ पर अस्थायी बंकर बनाया गया है, जहाँ पर जवानों को तैनात किया जाएगा। जिस तरीके से जो संभावना जो कल जो शंभू बॉर्डर पर जो तस्वीर देखने को मिली थी, उसके बाद यहाँ पर हर तरीके से जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो तैनात हैं। इसके अलावा दंगा नियंत्रण वाहन को भी यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसमें तमाम जो जवान हैं वो विशेष रूप से तैनात किए गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो छतों से भी विशेष नियंत्रण रखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान और तमाम जो फोर्स अलग अलग जगह से इस पूरी स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखे हैं। जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी समय समय पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से दिल्ली कूच का किसानों का जो आह्वान था और उसके बाद कल शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके जो हालात बने, उसके बाद दिल्ली के जो बॉर्डर हैं वहाँ विशेष रूप से किलेबंदी कर दी गई है और तमाम जो पैरामिलिट्री के फोर्स हैं उनको तैयार कर दिया गया है और वो हर तरीके से उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली।